मेरा स्क्रीन शेयरिंग एक बार ऑन हो जाने दीजिए। आज कॉन्फर्मर्स, यस, कृष्णा हैंड रेस कर दो। कर दिया, लो बताओ। बोलो कृष्णा। सर हाँ बोलो। ऑप्टिकल आइसोमर मतलब काइरल सेंटर वाले कंपाउंड का, ना ऑप्टिकल आइसोमर मतलब ऐसे कंपाउंड जो स्वयं और उसका मिरर इमेज दो अलग कंपाउंड हो, ठीक है। इसका इसमें मतलब काइरल सेंटर होना नेसेसरी नहीं है। ओके सर। हाँ भाई, कैन मीजो बी कॉल्ड एज ऑप्टिकल? मीजो इज अ स्टीरियो आइसोमर, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर कौन से होंगे जो लाइट को घुमा सके, है ना, अलग अलग डायरेक्शन। एनेंशियोमर्स इनका फिजिकल प्रॉपर्टी भी आप डिफरेंट कह सकते हो। एनेंशियोमर जो है स्विमिंग, क्योंकि लाइट को तो बिना काइरल सेंटर के ऑप्टिकल एक्टिविटी हो सकती है, इसके बारे में हमने बात किया था पिछले सेशन में, है ना, जब हम लोग एलीन्स क्यूमुलिन्स की बात कर रहे थे। ये याद है आपको क्यूमुलिन? आप मुझे बताइए, क्यूमुलिन में क्या आपको काइरल सेंटर दिखाई दिया? माय वीडियो इज लैगिंग। हाँ भाई, क्या मेरा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा लैग हो रहा है, वीडियो भी लैग हो रहा है। वीडियो ऑफ कर दूं? एक सेकेंड होल्ड कर दूं। सर वाटर कॉन्फर्मर्स हाँ भाई, सर वाटर कॉन्फर्मर्स कॉन्फर्मर्स क्या है? आज आज पढ़ेंगे ना अपन उसके बारे में, ठीक है। पढ़ेंगे। आज के क्विक रिवीजन ले सकते हैं क्या, ऋतुजा का कहना है? ठीक है, क्विक रिवीजन में जल्दी से आपको बताता तो हूँ आज अभी तक हम लोगों ने क्या क्या खत्म किया, ठीक है। तो ठीक है, माइक ऑप्शन अमन को भी चाहिए, क्योंकि ये जितने हैंड रेस किया सबको माइक ऑप्शन चाहिए क्या? हैंड्स डाउन कर दो भाई। हाँ बोलो अमन। नो सर, ओनली माइक ऑप्शन चाहिए था। ले, ये तो बढ़िया है यार, है? चलो, दो ओनली वन ऑफ दिस माइक। है? सर आप अकेले माइक देते हो। मैं अकेला माइक लेके हूँ? नहीं, ठीक है, चलो ठीक है। अभी ये जितने लोग हैंड रेस कर रहे हैं मैं सबको माइक ऑप्शन तो दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन प्लीज इस बात का ध्यान रखें कि
कि बीच बीच में ना बोले। सर सर कैन यू एक्सप्लेन वन सेकंड काइरल सेंटर। काइरल सेंटर क्या बात कर रहा है? माइक के लिए सबके हाथ ऊपर आ रहे हैं एकदम फटाफट। अभी कौन कौन था आज एक नया आज क्लास में जो फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहा है? सिर्फ वो हैंड रेस करना जरा। कौन था जो आज फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहा है? मैसेज में करो जो कोई तो था। ऑप्टिकल आइसोमर एंड एनेंशियोमर में क्या डिफरेंस है? दोनों सेम है, ठीक है। और सर आप आज जो जीओसी की जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो डाटा आई उसमें आप कन्फर्मर्स पे क्वेश्चन था, लेकिन आपका कन्फर्मर्स अभी तक पढ़ा के नहीं हुआ है सर। क्वेश्चन क्या था पढ़ा तूने? हाँ सर, उसका आंसर कन्फर्मर्स था। आंसर कन्फर्मर था तो क्वेश्चन में क्या लिखा था? क्वेश्चन में लिखा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड बाय रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड। रोटेशन सिंगल बॉन्ड कन्फर्मर के बारे में इतनी बात तो सबको पता थी कन्फर्मर के बारे में। अच्छा सर, तो बस बाकी को एक्सक्लूड किया तो वही बच जाते। क्या बोल रहा है सर? वो चार ऑप्शन में से बाकी को एक्सक्लूड करे तो वही बच जाता है। सही बात है। अच्छा ओके सर, थैंक यू सर। तो अभी अपन एक बार ऑप्टिकल आइसोमर की फिर से बात करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स मतलब क्या? जो लाइट को डेविएट कर सके, बराबर है, लाइट का जो प्लेन है उसको चेंज कर सके। अब अगर आपके पास एक कंपाउंड है ए, उस ए कंपाउंड में एक काइरल सेंटर है, ठीक है, तो काइरल सेंटर है तो आप क्या बोलते हो कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है, बोलते हो ना, सही बात है। अभी काइरल सेंटर का मतलब क्या? काइरल सेंटर मतलब एक एटम पे चारों के चारों ग्रुप जब अलग लगे हो तो अपन बोलेंगे ये कार्बन है काइरल सेंटर। सवाल उठता है कि क्या सिर्फ काइरल सेंटर होने पे ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा? क्या चाहिए? तो क्या सिर्फ काइरल कार्बन होने से ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है? तो जरूरी नहीं है। ऑप्टिकल एक्टिविटी एक केस है कि काइरल कार्बन से हो। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए मेन चीज क्या जरूरी है? ओ सिमेट्रिकल कंपाउंड। अब आप इसको असिमेट्रिकल बोलो, डाइसिमेट्रिकल बोलो, ठीक है, अनसिमेट्रिकल बोलो, ठीक है, एक ही है। असिमेट्रिकल कंपाउंड होना चाहिए। अब असिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल नहीं होता, अनसिमेट्रिकल भी होता है, इंग्लिश में तो होता है, ठीक है, नहीं होता इंग्लिश में सर? लेफ्ट और राइट हैंड असिमेट्रिकल होता है। अच्छा चलो ठीक है, असिमेट्रिकल कंपाउंड है केमिस्ट्री में होता है। हाँ बोल सर। लेफ्ट और राइट हैंड मतलब असिमेट्रिकल, ये तो पूछ रहा है, बता रहा है, पूछ रहा तू बता देख के अब लेफ्ट और राइट हैंड असिमेट्रिकल है क्या नहीं है। असिमेट्रिकल है ना? हैं असिमेट्रिकल मतलब जिसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट ना हो, ठीक है।
अब आप बोलोगे कि अच्छा प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो एक जैसी बात है ना, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री का क्या पंगा है? अभी एक केस हो गया ऑप्टिकल आइसोमर का, ये कि चारों कार्बन अलग, चारों ग्रुप ऑन द कार्बन आर अलग। दूसरा केस हो गया तुम्हारा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का, जब आपके पास है क्यूमुलिन, है ना, ये कंपाउंड है, इसका भी ऑप्टिकल आइसोमर रहेगा क्योंकि असिमेट्रिकल है। तीसरा केस है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। अब आपको इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, ठीक है? अभी तक जितनी बात की है ये आपको याद है क्या? कौन बोल रहा था, जो कोई कोई तो बोल रहा था, एक बार रिपीट करना है। काइरल सेंटर तो क्लियर है ना, कि काइरल सेंटर भी रिपीट करूँ, एक बार प्लीज बता। नहीं सर। सर और असिमेट्रिक कार्बन मतलब ही काइरल कार्बन ना? नहीं, काइरल कार्बन मतलब वो कार्बन जिसके ऊपर चारों ग्रुप अलग हो। चारों ग्रुप अलग है सर। सिमेट्रिक का मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। अब असिमेट्री आपको काइरल कार्बन में भी मिल सकती है, आपको क्यूमुलिन में भी मिल सकती है, ठीक है? ओ अच्छा, सो ये छोटा सा डिफरेंस भी है सर। ओके सर। और ये साथ में क्या सोया हुआ था क्या ओमकार? नहीं सर। क्या करता है? और सर वो जो आपने एबीसीडी लिखा है कार्बन के आजू बाजू में, वो सी है वो दूसरा कार्बन एटम है या ऐसा ही दूसरा एलिमेंट? कोई भी ग्रुप हो, चार अलग ग्रुप लिखा है भाई। अच्छा ओके सर। ऐसे सवाल मत कर यार, तेरे से तो मैं अच्छे सवाल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। चलेगा सर। अभी बीच में नहीं बोलना, ठीक है? जब तक मैं अलाउ नहीं करूंगा तब तक कोई बोलना नहीं, ठीक है? किसी को बोलना है पहले कमेंट करो, बताऊंगा फिर बोलना। तो अभी तीसरा केस है सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है? ध्यान से सुनो, सेंटर ऑफ सिमेट्री वाला जो केस है ये अपने आप में बड़ा यूनिक केस है, क्योंकि आपको ये कंपाउंड को देख के ऐसा अंदाजा नहीं आएगा कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, ठीक है? अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, मैंने आपको क्या बताया कि आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए असिमेट्रिकल कंपाउंड। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है? अरे कन्फर्मर का डेफिनेशन यश काटे, थोड़ी देर बात करते। असिमेट्री नहीं समझा सिद्धेश गौरव को? अरे 01 नहीं लिखा, ऑप्टिकल आइसोमर लिखा है, ओ आई ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है? अभी मेरे को ध्यान से सोच के बताओ, क्या ये कंपाउंड असिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है या असिमेट्रिकल है? असिमेट्रिकल है। क्या मतलब है असिमेट्रिकल का? कि कोई भी जगह से इसको मैं ऐसे नहीं काट सकता कि ये दो इक्वल पार्ट में कट जाए, लेकिन अगर इसके ऊपर एक OH माइनस अटैक करता है, ठीक है, रिएक्शन हो जाती है, रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट ये है, अब मेरे को बताओ ये जो कंपाउंड है क्या ये सिमेट्रिकल है या असिमेट्रिकल है? अभी जो कंपाउंड आपके साथ ब्लू कलर की पेन में लिखा है, क्या ये सिमेट्रिकल है? अब आपको कैसे पता चला ये सिमेट्रिकल है? तो आपने इसको बीच से काट के देखा, बीच से काटा, आपने जब इसको बीच से काटा तो आपको दिख रहा है कि ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट दोनों सेम है, एक जैसा है, इसका मतलब आप इसको काट सकते हो, आपके पास ये जो कंपाउंड है वो सिमेट्रिकल है। इस काट को, ये जो कट है इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये समझ में आया क्या आपको? इस प्लेन के अलोंग कंपाउंड सिमेट्रिकल है,
यश का सवाल है कैन वी नॉट कट इट वर्टिकली। यश के लिए मैं वर्टिकल कट मारता हूँ, यश ये ले वर्टिकल कट मारा। अब मुझे ये बता, इसको जब मैं ऐसा वर्टिकल कट मारूंगा, इस साइड ओ एच है, इस साइड एच है, क्या ये सिमेट्रिकल हुआ क्या वर्टिकल कट में? मेधांश का सवाल है हाउ डिड यू कन्वर्ट द व्हाइट ब्लू स्ट्रक्चर। अरे एक रिएक्शन हुई भाई, मैंने कन्वर्ट नहीं किया, मैंने बोला कि एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन के बाद ये कंपाउंड बन जाता है। सर सो कंपाउंड इज इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब आप ये देखो, पिछले कंपाउंड में Cl है, OH है, इसमें क्या है कि आप यहाँ से काटो, कहीं से काट सकते हो क्या? नहीं काट सकते। लेकिन जैसे OH ने अटैक किया, Cl को भगा दिया, Cl के जगह अब OH आ गया और आया भी कहा दूसरी साइड से आया, क्या ये कंपाउंड अब सिमेट्रिकल कंपाउंड बन गया? ये कौन है आविष्कार का सवाल है, व्हाई डिड हाइड्रोजन नॉट गेट रिमूव्ड, ओनली Cl गॉट रिमूव्ड। अबे रिएक्शन है, अभी तेरे को सब पता होगा तो आगे क्या पड़ेगा ऑर्गेनिक में, रुक तो जा, रिएक्शन नहीं ना पढ़ना शुरू किया। अभी ध्यान से समझो एक बात को, सिमेट्री बोले तो काटते आना चाहिए दो इक्वल पार्ट में। लो भाई कृष्णा का डाउट है, नहीं वरद का डाउट है, अगर रिएक्शन ही करना है तो सारे सिमेट्रिकल हो सकते हैं। अरे यार रिएक्शन ही करना है मतलब क्या गवार है क्या? नहीं मेरे को बताओ कहाँ से इतना गवारपना कहाँ से लेके आते हो तुम लोग सब मिल के, हैं? थोड़ा तो समझो, ये एक अलग कंपाउंड है, ये एक अलग कंपाउंड है, रिएक्शन के बाद क्या प्रोडक्ट बन रहा है, थोड़ा तो सोचो। नहीं नहीं मिलके नहीं, तुम सारे गधे हो, एक एक से बढ़ के एक हो, वेदांत ज्यादा हो, वो अकेला नहीं है, ठीक है, झुंड है पूरा। एक चीज ध्यान रखना, जो झुंड होता है ना, वो झुंड में जो सबसे गवार होता है वो उस झुंड का आइडेंटिटी होता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये जो है अपने गवारपने को आगे निकालना है, वो गवारपने से बाहर निकलने के लिए आपको पूरे झुंड को ग्रो करना पड़ेगा, ठीक है। तुमको लगता है हम अकेले ग्रो हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा सर। अब एक कंपाउंड बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है सर। एक डाउट, अबे यार कौन है सर, अगर कोई भी कंपाउंड सिमेट्रिकल है मतलब वो इनएक्टिव है ऑप्टिकली। अगर कोई भी कंपाउंड सिमेट्रिकल है और तू उसका मिरर इमेज बनाएगा तो वो कंपाउंड और उसका मिरर इमेज दोनों एक जैसा ही दिखेगा। ये बात मैंने पहले डिस्कस किया था कि नहीं किया था? तो कृष्णा अगर कंपाउंड खुद अपने मिरर इमेज के जैसा ही है पूरा का पूरा तो वो अलग कंपाउंड नहीं हुआ? अगर वो अलग कंपाउंड नहीं है तो क्या वो ऑप्टिकल आइसोमर हो सकता है? नहीं। एक कंपाउंड है साइक्लोब्यूटेन, कुड यू हैव इवन रिमूव्ड द ओएच एंड पुट सीएल? यस मेधांश, वो डिपेंड करता है क्या रिएक्शन है, ठीक है। अब ये जो है साइक्लोब्यूटेन टाइप का सेटअप है, अब ये टेक्निकली देखो तो तुम बोलोगे कि ये तो कंपाउंड क्या है, ये क्या है, क्या बना है। अभी मैं इसमें कुछ कुछ चीजें ऐड कर रहा हूँ, इसमें यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है। ये कंपाउंड के अंदर अगर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। तो ढूंढो क्या आपको इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है क्या?
श्रेया ठक्कर रुक जाना, एक चीज मैं बताऊं पहले, मैं एक एक्सप्लेन कर दूं उसके बाद तेरा डाउट सॉल्व करूंगा खुद का ही पहले तुम लोगों को। अब यार ध्यान से देखो, अगर मैं इस सेंटर पे खड़ा रहूं, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है ध्यान से समझो, अगर मैं इस सेंटर पे खड़ा रहूं और किसी भी डायरेक्शन में मूव करूं तो वो डायरेक्शन और उसके सेम डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन, अगर मुझे सेम ग्रुप या सेम अटैच्ड एलिमेंट मिलता है तो मैं कहूंगा दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब ये एक्सिस नहीं है, अब ये क्या है, अब ये केवल एक डॉट है, लेकिन ये एक ऐसा डॉट है जिसके तरफ से आप किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल करो, ठीक है, तो वो डायरेक्शन और उसके अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम चीज होगी। क्या आप लोगों को सेंटर ऑफ सिमेट्री समझ में आया क्या? ध्यान से सुनो, सेंटर से आप दोनों डायरेक्शन में मूव करते हो, सेंटर से दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, इक्वल डिस्टेंस पे आपको सेम चीज दिखाई दे तो आप बोलोगे ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है। क्या आपको ये कंपाउंड दिखा सबको अच्छे से? फिर से ड्रॉ करो, अच्छे से ड्रॉ करो, ध्यान से देखो, अगर ये डॉट के तरफ से देखोगे, ये डॉट के तरफ से देखोगे तो एक साइड में क्लोरीन ऊपर है, दूसरे साइड का क्लोरीन नीचे है, इस साइड का हाइड्रोजन नीचे, उस साइड का हाइड्रोजन ऊपर है, इस साइड का फ्लोरीन नीचे, उस साइड का फ्लोरीन, इस साइड का ऊपर है, एक साइड का नीचे है, तो आप उधर से किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ठीक है, सेम डिस्टेंस अपोजिट वेक्टर्स, बिल्कुल सही बात है सोहम, अपोजिट वेक्टर्स के तरह से, तो आप अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस मूव करते हो, आपको सेम सब्सटेंस या सेम ग्रुप या सेम अटैचमेंट मिलता है। तो ऐसे कंपाउंड जो होते हैं ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, अब इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, आप बताइएगा इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री किधर है। आपको बताना क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, यस या नो? क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है? यस कदम, ये लिखना है क्योंकि ये रिवीजन नहीं हो सकता, क्योंकि ये मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, यस या नो? तो अगर आप कह रहे हो कि ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कोई तो सिमेट्री होगी, और अगर आप बोल रहे हो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका मतलब आप बोल रहे हो यहाँ पे कोई सिमेट्री नहीं है, ये असिमेट्रिकल है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्या ये असिमेट्रिकल है? क्या यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या? चलो ठीक है, क्वेश्चन को इस पे लाते हैं, चलो बाकी छोड़ो। क्या यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यस या नो? यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट है, सब लोग फोकस करो,
सब लोग जरा ध्यान से सुनो, यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट है। क्यों नहीं प्रेजेंट है? आप बोलेंगे देखो ना यही तो सेंटर लग रहा है, ये जो है ये ग्रीन डॉट सेंटर है, अगर आप ये ग्रीन डॉट से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हो तो यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, बहुत खूब। अगर आप मूव करते हो सीएल से ओएच की तरफ, सीएल के सीएल की तरफ में, तो अपोजिट डायरेक्शन में सीएल है, बहुत खूब। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे ओएच है क्या? यहाँ पे ओएच है क्या? यहाँ पे तो एच है। ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे मैं अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया तो यहाँ OH है और यहाँ H है, क्या ये सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकता है? ये सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई कि इस कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है? समझ में आ गया? अब क्वेश्चन नंबर टू, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है? अब आपका लॉजिक है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, तो अभी ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। अरे मेरे देश के नौजवानों, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, इट इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। ऐसा कैसे सर? मतलब कहीं सिमेट्री होगी, सिमेट्री ढूंढो भाई। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। समझ रहे हो? अब आप जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैं बता रहा हूँ कहाँ पे दिखने वाला है आपको। सर OH से OH लिया तो सिमेट्री हो सकती है। क्या बोल रहा है? जोर से बोल। OH से लेके OH से OH से लेके तेरा आवाज नहीं आ रहा। हेलो, हाँ आवाज तेरा बहुत दबा दबा आ रहा है। कौन बोल रहा है? सिद्धेश है? सिद्धेश सर। सिद्धेश जोर से बोल सकता है? यस सर। बोल। तो H से लेके OH तक लिया ना, हाँ, तो आज से सिमेट्री हो सकती है सर। H से लेके OH तक सिमेट्री हो सकती है? डायगोनली लिया तो। मतलब ये यहाँ से ऐसा बोल रहा है तो ऐसा, ऐसे में एक प्लेन काटू क्या क्षितिज? नहीं सर। एक साइड फ्लोरीन आएगा, एक साइड क्लोरीन आएगा, क्या ये हुआ सिमेट्रिकल? नो सर। अभी देख तू डायगोनल तक तो सही है, लेकिन किसको काटना है डायगोनल वो गलत बोल दिया। डायगोनली काटना है तुमको यहाँ पे, ध्यान से देखो, इस डायगोनल के अलोंग तलवार मारो। मतलब कैसे लिखेगा वो प्लेन जो काट रहा है, वो काटने वाला प्लेन फ्लोरीन क्लोरीन वर्टिकली काट डाला, समझा क्या? इनको ऐसा काट दिया। अब क्लोरीन है बीच में से काटोगे दो इक्वल पार्ट में कटेगा, फ्लोरीन है बीच में से काटोगे दो इक्वल पार्ट में कटेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ OH है, यहाँ OH है, यहाँ H है, यहाँ H है, क्या मिली आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री? This is plane of symmetry. तो क्या ये compound optically active है? नहीं, ये optically active नहीं है। क्या इसमें center of symmetry है? नहीं, इसमें center of symmetry भी नहीं है। ये question, ये समझ में आया क्या सबको? Yes, Advait, you can cut through atoms. पर एक साइड आधा फ्लोरीन, दूसरी साइड आधा क्लोरीन, कैसे रे? अबे फ्लोरीन के साइड से काटूंगा, नीचे क्लोरीन है ऊपर फ्लोरीन है, इनको अगर मैं बीच में से काटूंगा, एक साइड आधा फ्लोरीन दूसरा साइड आधा फ्लोरीन, गजब कर रहा है। कौन है ये?
सानिका का कहना है कुड यू एक्सप्लेन पीओएस वंस अगेन। ठीक है सानिका, एक बार फिर से देखो ये वाला तुमको अभी। ये वाला तुमको डायगोनल दिखाई दे रहा है सानिका, जिसमें फ्लोरीन और क्लोरीन लगे हुए हैं। आविष्कार बोल रहा है बट इन फ्रंट ऑफ फ्लोरीन क्लोरीन इज प्रेजेंट। अबे क्या दारू पी के बैठे हो क्या तुम लोग, कैसे सवाल पूछते हो बे? तुम लोग इमेजिन क्यों नहीं करना चाहते, क्यों मेहनत क्यों छोड़ देते हो एकदम से है? तुम चाहते ही नहीं होगे, तुम खुद से फाइट मारो। कैसे कर लेते हो यार, इतना कैसे मैनेज कर लेते हो? आलस वालस का तो आप हद क्रॉस कर लो। अभी ये देखो, ये एक डिब्बा है, ठीक है। अब ये डिब्बा जो है, ये है तुम्हारा साइक्लोब्यूटेन। आदित्य का बोलना है बट इफ वी कट फ्रॉम फ्लोरीन एंड क्लोरीन इट विल नॉट बी सिमेट्रिकल। अब रुक तो जा भाई। अब ये देखो, ये ध्यान से समझो, यहां पे फ्लोरीन लगा हुआ है, ऊपर की तरफ जा रहा है, यहां नीचे की तरफ से क्लोरीन लगा हुआ है। एग्जैक्ट उसके डायगोनली अपोजिट साइड में यहाँ पे ऊपर फ्लोरीन लगा हुआ है, नहीं ऊपर क्लोरीन लगा हुआ है और नीचे फ्लोरीन लगा हुआ है। मुझे नहीं फर्क पड़ता फ्लोरीन ऊपर क्लोरीन नीचे, मैं इधर से ऐसे नहीं काट रहा हूं, मैं अलोंग द एक्सिस अलोंग द डायगोनल काट रहा हूं। अब आप ये सोचो, जब आप अलोंग द डायगोनल काटोगे, ध्यान से देखो, अलोंग द डायगोनल जब आप काट रहे हो, आपका फ्लोरीन जो था अब ये है प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, ये आड़ा हो गया प्लेन। ठीक है, ये है प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब ये जो प्लेन है, ये प्लेन यहाँ पे तुम्हारा फ्लोरीन होगा, यहाँ पे नीचे क्लोरीन होगा, ऊपर नीचे, ये बीच में से काटेगा ना फ्लोरीन और क्लोरीन को। अब ये फ्लोरीन को बीच में से काटेगा तो आधा इस प्लेन के इस साइड रहेगा, आधा उस साइड रहेगा। ये बात समझ में आता है क्या? योर वीडियो इज ऑफ, क्या बात कर रहे हैं? मेरा एक सेकंड, मेरे को ये बताओ कोई ऐसा है जिसको मेरा लैग नहीं आया अभी तक? कोई भी लैग नहीं आया? भूमि बोल रही एकदम क्लियर है सर, क्लियर है सर, नाउ इट वाज क्लियर। चलो ठीक है, अभी अभी आगे बढ़ू। यस यस सर, मैंने बोला कि दिस इज अ साइक्लोब्यूटेन। अभी ये इसको मैं बीच से ऐसे काट रहा हूं, ठीक है, ये जब मैं बीच से काट रहा हूं तो ऊपर नीचे जो फ्लोरीन होगा या क्लोरीन होगा वो भी तो बीच से कटेगा। अब वो बीच से कटेगा तो आधा फ्लोरीन इस साइड, आधा फ्लोरीन इस साइड, नीचे में क्लोरीन लगा होता तो आधा क्लोरीन इस साइड, आधा क्लोरीन इस साइड। यहां से अगर इस एक्सिस के अलोंग, इस प्लेन के अलोंग देखोगे तो वो तो सिमेट्रिकली कटेगा ना। ये चमक क्या वरुण वैद्य अलग ही निकल गया है। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाई नो सेंटर ऑफ सिमेट्री मींस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। अबे यार ये कैसा सवाल है वरुण, सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, इतनी बात किया मैंने? मैंने क्या बोला? मैंने बस इतना बोला ना कि यार तुमको कंपाउंड में सिमेट्री तोड़नी है। यस, एटम्स विल कट इन इक्वल हाफ्स, ठीक है रश्मि, अगर सारे के सारे एटम एक प्लेन में होंगे। अब आप जस्ट इमेजिन करो, एक कंपाउंड है, मैंने आपको ये बात पहले भी बताया था, मैंने आपको बोला था कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल
sp2 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रह सकता। मैंने क्या रीजन दिया था? मैंने बोला था प्लेनार है। थैंक यू सो मच। अब ये प्लेनार का मतलब जरा समझो ना। आप बोलोगे कि अच्छा यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगाया, यहाँ पे मैंने फ्लोरीन लगाया, यहाँ पे मैंने आयोडीन लगाया, अब आप क्यों काट रहे हो इसको, कैसे काट रहे हो, दिखाओ सिमेट्री। तो कैसे बोलेंगे सिमेट्री है? अरे जो प्लेन में है उस प्लेन के अलॉन्ग काटोगे आधा ऊपर आधा नीचे जाएगा ना। समझ रहे हो ना कैसे काटने की बात किया था? तो अब इसी चीज को मैं थ्री डायमेंशन में इमेजिन करना चाहता हूं। थ्री डायमेंशन में मेरे पास एक साइक्लोब्यूटेन है, ठीक है। अब उस साइक्लोब्यूटेन, आदित्य बोल रहा है इवन इफ विल कट इट इट विल बी इन रॉन्ग ओरिएंटेशन। मैं समझा नहीं आदित्य तू क्या बोलना चाहता। अभी ध्यान से सुनो, सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये जो चीजें है सारी, ये बेसिकली हमको यही समझाने की कोशिश करी है कि एक ऐसा कंपाउंड है जो उसके मिरर इमेज से अलग नहीं दिख सकता, ठीक है। एक वापस सिंपल एग्जांपल लेता हूं तुम्हारे लिए। एक मटका है, ठीक है, आपके घर पे पानी का मटका है, क्या ये सिमेट्रिकल है? अगर थियोरेटिकली बोले तो, ठीक है, अभी एक्चुअल पे नहीं जाऊंगा, लेकिन थियोरेटिकली ये सिमेट्रिकल है। आप इसको ऐसा काट सकते हो? तो अगर आपको एक एक्सिस दिख रही है या ऐसा एक आपको प्लेन दिख रहा है तो आप बोलते हो वो सिमेट्रिकल है, ठीक है। अब आपको एक ऐसा मटका दिखा वापस सा? लेकिन वो मटके में, अबे यार अब मुझे बताओ क्या ये सिमेट्रिकल है क्या? नहीं सर। है सर। इतना जोर से चिल्ला के माइक ऑन करके सिमेट्री है। थोड़ा दिमाग की यूज करता। है सर। सिमेट्रिकल है, बीच से सिमेट्रिकल है। इसको मैं ऐसा अगर काटू तो ये सिमेट्रिकल है ना? ओ इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा। यहाँ पे भी प्लेन ही है, ठीक है, मैंने एक्सेस करके ड्रॉ किया। एक ही बात है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे कुछ अलग नहीं है, ठीक है सर। दोनों में फर्क क्या है, एक्सिस और प्लेन में? एक्सिस और प्लेन में इतना ही फर्क है कि एक्सिस में आप एक एक्सिस के अलोंग देखते हो कि इसमें, इसके अराउंड जितने भी मॉलिक्यूल्स अरेंज है वो सिमेट्रिकल है। प्लेन के केस में आपको पूरा का पूरा कंपाउंड काटना पड़ता है। तो जैसे अगर मैं आपको ये बताऊं कि मैंने कल जो एक एग्जांपल लिया था टार्टरिक एसिड वाला, अरे यार अभी ड्रॉ नहीं हो रहा, टार्टरिक एसिड का मैंने कल एक एग्जांपल लिया था आप लोगों के साथ, जिसपे H लगा है, OH लगा हुआ है, ठीक है, नीचे एक और कार्बन है, इसमें COOH है, ठीक है, इसमें H लगा है, इसमें OH लगा है। अब ये जो कंपाउंड है इसको तुम क्या बोलते हो? इसको मैं बोलूंगा कि इसमें अगर मैं एक एक्सिस ऐसा पास करूं, है ना, ये एक्सिस नहीं, इसमें अगर मैं प्लेन पास करूं तो मैं बीच में से ऐसा काटूंगा तो ऊपर का हाफ और नीचे का हाफ इक्वल पार्ट में कटेगा, ठीक है। अब वही है, कुछ कुछ केसेस में हमको वो एक्सिस के अलोंग भी देखना पड़ता है, ठीक है। तो उस चीज को आपको ऐसा कोई देखने की जरूरत नहीं है, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ये दिख जाएगा एज अ प्लेन ही आपको कंपाउंड में दिखेगा, ठीक है, क्योंकि कंपाउंड सारे के सारे थ्री डायमेंशनल है। अभी आपको डिफरेंस समझना है प्लेन ऑफ सिमेट्री
और सेंटर ऑफ सिमेट्री में. सेंटर ऑफ सिमेट्री एक पॉइंट है, ठीक है, तो आपको वो पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप वो ढूंढ नहीं पाओ जो अपना सिमेट्री. ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल और करते हैं फिर अपन आगे बढ़ते हैं. आदित्य का सवाल है, कैन वी से दैट रेडियल सिमेट्री इज प्रेजेंट इन कंपाउंड इज मल्टीपल प्लेन्स ऑफ सिमेट्री आर प्रेजेंट बिकॉज इन सम कंपाउंड वी कैन डिवाइड बाय मल्टीपल प्लेन्स ऑफ सिमेट्री. सो द अबव एग्जांपल विल बी ऑप्टिकली एक्टिव. वैष्णव भी नहीं, दोनों के दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है. इसमें है ना ये सिमेट्री वाली लाइन है मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव. ठीक है, रेडियल में मत पढ़ो. ठीक है, रेडियल वाला मत पढ़ो. आदित्य ज्यादा सोच मत रेडियल के बारे में, लेकिन तू सही सोच रहा है, उसमें मल्टीपल प्लेन होंगे. अगर तू मल्टीपल प्लेन के अलॉन्ग काट सकता है, कोई दिक्कत नहीं. और सिलिंड्रिकल ग्लास और सिलिंड्रिकल पेंस्टन भी सिमेट्रिकल होगा ना? क्या बोल रहा है? सिमेट्रिकल ग्लास और सिमेट्रिकल पेंस्टन भी सिमेट्रिकल होगा ना? सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल पेंस्टन, सिलिंड्रिकल ग्लास, वो भी सिमेट्रिकल होगा ना? हाँ, वो सिमेट्रिकल होगा. यस सर, थैंक यू सर. अब आपको ध्यान से सोच के बताना है. मैं आपके सामने दो कंपाउंड बनाने वाला हूँ, ठीक है? आप मुझे ये बताइएगा, ये दोनों कंपाउंड में से सिमेट्रिकल ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है? ठीक है, आपके सामने कंपाउंड वन, कंपाउंड टू, आपको बताना है ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है. सर बोथ आर इनएक्टिव. इसमें मत बोलो, चला के मत बोलो. सेकंड वाला ऑप्टिकली. सॉरी सर, अभी चिल्ला के मना किया बोलने को, तो उसके बाद चालू हो गए फिर से. अजीब बेहुदा लोगो है, सबको म्यूट कर दूंगा. ध्यान से सब लोग देखो. ऑप्टिकली इनएक्टिव, सेकंड वाला असिमेट्रिकल ऑप्टिकली एक्टिव. कौन बोला? ओमकार. कौन बोला? जिसने बोला उसको बोलने दो. मैं सर. क्यों बोला? मना किया था ना मैंने बोलने को. आंसर दिया सर क्वेश्चन का. क्यों? मैंने बोला था क्या? मैंने क्या बोला? सबको म्यूट कर रहा हूँ अभी, ठीक है? सारे लोग म्यूट. अभी किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बस मेरे को म्यूट करना आता नहीं है. हाँ भाई, कंपाउंड वन जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कंपाउंड टू जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है. सही बात. वन विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री. क्या आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रहा है? आप किसी भी अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस मूव करो, आपको सेम ग्रुप दिखेगा. अपोजिट डायरेक्शन में आपको कितना क्या करना है? इक्वल डिस्टेंस मूव करना. दिख रहा है आपको?
बस सेकेंड वाले के केस में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। क्या सेकेंड वाले के केस में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? तो देख लो प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में सोच के, अगर मैं इसके अलॉन्ग काटना चाहूँ तो नहीं काट सकता, यहाँ सी ओ यहाँ एन एच है, ठीक है, तो ये तो कोई सेंटर नहीं है। अगर मैं इनके अलॉन्ग काटूँ, अब इसके अलॉन्ग भी काटूंगा तो सी एच थ्री एच ये सारे कट जाएंगे, है ना, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ एन एच है यहाँ सी ओ है, तो यहाँ पे भी हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रही है। क्या कोई भी ऐसा डायरेक्शन है जिसके अलॉन्ग प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी? सोचना है तो सोच लो, इसमें ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखेगी आपको, ना एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिखेगी, ना आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखेगी। तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की सिमेट्री एब्सेंट है। सीओ एंड सीओ पे लाइन, मैं समझा नहीं है कौन है कृष्णा क्या पूछ रहा है। सीओ एंड सीओ पे लाइन प्लीज। व्हाट इफ वी कट अलोंग सीओ सीओ, सीओ सीओ के अलोंग अगर कट करोगे तो मेरे को ये बताओ ना, इसके अपोजिट में तो एनएच है, यहाँ पे तो कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है यहाँ एनएच है, ये कहाँ से सिमेट्रिकल? अगर बाजू वाले में देखना चाहते हो तो बाजू वाले में देख लेते, सेम कहानी वहां पे भी है। सीओ सीओ के अलॉन्ग अगर आप कट करना चाहोगे तो नहीं हो रहा। हाँ सेकंड में कर ले, सेकंड में भी सीओ सीओ को काट दे। ये कार्बन के अपोजिट कौन आ रहा है? ये एनएच आ रहा है ना, ये एनएच के अपोजिट कौन आ रहा है? ये कार्बन आ रहा है ना। तुमको अगर ऐसे नहीं लिख रहा, ऐसे तुमको लग रहा है कि सिमेट्रिकल है, तो तुम एक काम करो, टॉप व्यू ड्रॉ कर लो इसका। अगर तुम टॉप व्यू ड्रॉ करोगे तो तुमको आराम से दिख जाएगा क्या बात कर रहे हैं। टॉप व्यू कैसा होगा? ऐसा देखो आप सीओ, ठीक है, सीओ ऐसा नहीं, सी डबल बॉन्ड ओ के फॉर्म में रहेगा, एनएच सी सी सीओ एनएच सी। अब यहाँ पे आपके पास सी एच थ्री है, हाइड्रोजन है, सी एच थ्री है, हाइड्रोजन है, देख लो काट लो, आप कहाँ से काट सकते हो? आप सिमेट्री के नहीं काट सकते सिमेट्री के लिए। सेकेंड वाला कंपाउंड एट सेकेंड कार्बनिक सी एच थ्री वुड हैव बीन एट द बॉटम, हाइड्रोजन एट, देन वुड इट बी सिमेट्रिकल? तो अगर ये सी एच थ्री यहाँ नहीं यहाँ होता जैसा कि इस वाले केस में है, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होती, ठीक है। वेदांत क्या बोल रहा है, एनएच और सीओ के बीच में, एनएच और सीओ के बीच में क्या बॉन्ड है? नहीं ठीक है ओमकार, अभी करेक्ट आंसर देना है तो आप मैसेज में दो, सब लोग बोल के कोई नहीं देगा। वेदांत कहाँ एक्सिस ड्रॉ किया, इसको ड्रॉ करो सब लोग जल्दी से, ठीक है, ये दोनों एग्जांपल को ड्रॉ करो और ये यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाओ यहाँ पे, कि यहाँ पे आप किसी भी, ये सेंटर पॉइंट से आप किसी भी डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस अपोजिट जाते हो, अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस मूव करते हो, एनएच और सीओ के बीच में एक्सिस ड्रॉ किया जाए यहाँ पे ऐसे, वेदांत राव राणे खुद ड्रॉ करना अपने बुक में, खुद के बुक में ड्रॉ कर देख तेरे को क्या दिख रहा है। वेदांत जाधव तू भी ड्रॉ कर ले और सी टू सी बनाना है इसको, देखो तो सही, थोड़ा ट्राई तो करो अपने से, काट के देख नहीं रहे कुछ भी कोई, ये देखो ना अगर वो काटेगा एक साइड एनएच एक साइड सीओ, नहीं क्या बीच में से काट के देखोगे एनएच अपोजिट में, सॉरी अभी जाके तेरे को दिख रहा है अपोजिट में, बोलने के पहले क्यों नहीं दिखता, जो सीधा मुंह क्यों खोल के चालू हो जाते हो, है
ऐसे कैसे मतलब तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि यार कुछ भी जो भी दिमाग में पहला आया हम लोग पूछ लेंगे, हम दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसके बाद दिमाग लगाएंगे तो वेस्ट हो जाएगा ना, खर्चा हो जाएगा दिमाग, हम पेन नहीं उठाएंगे, पेंसिल नहीं उठाएंगे, पेपर पे ड्रॉ नहीं करेंगे, एक बार ड्रॉ करके देखो शायद दिख जाए। ऑप्टिकली एक्टिव का आपको गिवन वो मिला, एक छोटा सा असर्शन रीजन, रीजन का क्वेश्चन बना रहा हूं। यार छोटा हो गया डायग्राम, बताओ क्या करेक्ट है, वन या टू? वन या टू में से क्या करेक्ट है? क्वेश्चन दिख रहा है सबको? क्वेश्चन बोल रहा है गिवन कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, रीजन दिया इट मस्ट कंटेन अ कायरल सेंटर, बताइए क्या करेक्ट है? ए इज करेक्ट, बी इज रॉन्ग, बी इज करेक्ट, सी इज रॉन्ग। असर्शन रीजन में दो स्टेटमेंट और होते हैं, A is correct and B is correct, but A is not the correct, B is not the correct explanation for A. A is correct and B is correct, but and B is correct explanation for A. ऐसे चार ऑप्शन होते हैं, ठीक है? मैं वो चार लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको समझ रहा है कि ये क्वेश्चन assertion reason में आपके सामने कैसे आएगा? JE का क्वेश्चन है ये। क्या है यहाँ पे? क्या यहाँ पे plane of symmetry है? यहाँ पे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, ऑप्शन ए एंड बी दोनों गलत है, इसका आंसर थर्ड होना चाहिए, ए एंड बी बोथ आर रॉन्ग। करेक्ट आंसर थ्री है, कितनों को समझ में आया क्यू थ्री है? छोड़ो, कितनों को डाउट है, कितनों को डाउट है, डाउट लिखो जल्दी से। जिस जिसको भी डाउट है अब उसको क्या बनाना पड़ेगा, उसको तलवार लेके निकलना पड़ेगा, तलवार लेके निकलो तो सही। ये डायगोनल एक्सिस के अलोंग उसको ऐसा काटो तो सही, आप अगर इसको काटोगे तो यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, सिमेट्रिकली कट जाएगा या नहीं कटेगा? कृष्णा शेट्टी को बड़ा डाउट आ गया,
सर सर मेरे को समझा चाकू वाला कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बट जब भी असर्शन रॉन्ग होता है तो डायरेक्टली रीजन भी रॉन्ग होना चाहिए। डिपेंड करता है क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शन है क्या, मतलब अभी assertion is wrong, so reason तो reason correct है, wrong ही देना हमको। सही बात है, but अभी अगर किसी ने बोला कि it must contain, must बोलना थोड़ा होता है, it contains chiral center, अगर कोई बोलता तो मुझे ये बता क्या ये गलत है क्या, अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि it contains chiral center, क्या ये गलत है क्या? नहीं तो बी ऑप्शन होता, नहीं तो हाँ तो करेक्ट बोलते ना अपन, मस्ट नहीं लिखा है, ये मस्ट अगर मैंने हटा दी तो आपको दिख रहा है ये पॉइंट काइरल सेंटर है, ये पॉइंट काइरल सेंटर है, ये वाला पॉइंट काइरल सेंटर है ना? यस सर। काइरल सेंटर है इसका मतलब अब मस्ट आ गया, मतलब गड़बड़ हो गया, मस्ट है इसलिए रॉन्ग है, करेक्ट गायत्री, बट अगर यहाँ लिखा होता इट कंटेन्स काइरल सेंटर तो करेक्ट था, तो अब assertion भले ही तुम्हारा गलत है लेकिन reason तो सही है ना। यश का सवाल है optically active कैसे, नहीं ये compound optically inactive है। यहाँ पे देखो ना ये plane of symmetry बनी हुई है, क्या लोगों को सबको plane of symmetry दिखना शुरू हुआ क्या? आविष्कार ने काइरल सेंटर कैसे निकाला नहीं समझा, एक कार्बन पे चार अलग ग्रुप, अब तू बोलेगा चार अलग ग्रुप में एक साइड तो ये या ब्यूटेन को कैसे देखे, ब्यूटेन में देख ले एक साइड OH ऊपर है एक साइड OH नीचे, समझा क्या? इस वाले में एक साइड OH ऊपर है, इसमें एक साइड नीचे, तो मैं बोल सकता हूँ ये जो कार्बन है इस पे चार अलग ग्रुप लगे हुए है, अगर ये चार अलग ग्रुप है तो काइरल सेंटर हुआ ना। ओंकार को कंसर्न आ गया, कर ले हैंड रेस कर ले, बोल। हाँ सर, मैं जब आतिफ जमील सर ने हमको मिलने के लिए बुलाया था तब हमको केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मॉड्यूल्स मिले थे, उसमें IUPAC भी है और GOC भी है, पर लेकिन जब मैंने GOC के कंटेंट्स देखे तब उसमें एक भी आइसोमेरिज्म मेंशन ही नहीं था GOC के कंटेंट्स में। तो नीट के लिए तैयारी कर रहा है, JEE के लिए कर रहा है? JEE सर, JEE। तो उसमें आइसोमेरिज्म में कोई क्वेश्चन ही नहीं था? अच्छा, तो वो मॉडल्स में मुझे कंटेंट्स में GOC के कंटेंट्स में आइसोमेरिज्म नहीं दिखा तो मुझे टेंशन आ गया। नहीं तो अलग से चैप्टर होगा, एक अलग से इसमें होगा। अच्छा वो, हाँ अच्छा ओके। ऐसे सवाल ओमकार बीच में मत पूछ, अगली बार तेरा मैं माइक ऑन नहीं करूंगा, ठीक है? सॉरी सर। अभी बता तो मेरे को एक डायग्राम पे डाउट है। कौन से डायग्राम पे डाउट है सर? ये ऊपर वाली डायग्राम में अपने OH किधर काइरल सेंटर बनाया वो वाला डाउट है। हां क्या बोल रहा है फिर से बोल। सर जो OH के उधर आपने काइरल सेंटर बनाया ना सर, इसके ऊपर वाला डायग्राम ऑरेंज वाला डायग्राम, हां तो जो OH के उधर काइरल सेंटर है वो कैसे आया? OH के इधर काइरल सेंटर नहीं आएगा। हां ठीक है, काइरल सेंटर आएगा यहां पे और यहां पे, क्योंकि अगर OH वाले को तुम देखोगे तो इसके दोनों साइड सेम ग्रुप लगे हैं। सेम सेम है उसके लिए। ठीक है, श्रेय ठक्कर का डाउट है, क्या है बोल। सर वो भी कैसे काइरल होगा, F और Cl वाला कार्बन? कौन सा? F और Cl वाला कार्बन भी कैसे काइरल होगा? मेरे को पता है ये वाला जो कार्बन है काइरल है या नहीं है, काइरल है। क्यों? क्योंकि एक बाजू H है, दूसरी बाजू Cl है और
फिर एक साइड चारों साइड अलग ग्रुप लगे हुए हैं, मेदांश बोल रहा ओनली थ्री ग्रुप आर डिफरेंट। कैसे मेदांश, अगर यहाँ पे दोनों ग्रुप सेम है तो तुम उसके आगे तो देखो, साइक्लिक में अगर आप कायरलिटी देखोगे तो आपको आगे तक देखना होगा। इसके बारे में मैंने पिछले सेशन में बात किया था, याद आ रहा है? क्वेश्चन में आगे तक भी देखेंगे तो भी सेम ही होगा क्या? प्रीवियस क्वेश्चन में आगे तक देखेंगे तो भी सेम ही होगा। अब तो इस पे सोच, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ OH नीचे, यहाँ OH ऊपर है। अब मुझे बता क्या दोनों सेम है क्या? हाँ सर, ऊपर नीचे से क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, अब इसको अगर मैं ऐसा सोचूं, ये इसको और इसको अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन का टर्म देना चाहूँ, है ना, जस्ट इन केस अगर अपन काइरल होता तो इसको R बोलते, इसको S बोलते, है ना, ऐसा बोलते, ऊपर नीचे होने से वो कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो जाता। आ गया, श्रेय ठक्कर बोल रहा है कि नहीं बोल रहा तू? इस टाइप के केस को हम लोग बोलते हैं सूडो काइरल, ठीक है। अब ये सूडो काइरल, ये वर्ड सिर्फ जेई में यूज होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन एनीवेज नीट या कहीं और नहीं आने वाला है। लेकिन ये जो है यहाँ पे ड्यू टू डिफरेंस इन कॉन्फिगरेशन आपके ये दोनों कार्बन अलग कार्बन है। बात समझा के श्रेय? वो मेरे को लगा ऊपर नीचे होने से फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा ना, कॉन्फ़िगरेशन में तो फर्क पड़ जाता है अगर ऊपर नीचे होता है तो, ठीक है। अगर दोनों OH ऊपर होते हैं तो कोई फर्क, कोई कुछ कर नहीं सकता, दोनों साइड अपन बोलते हैं कि सेम कंपाउंड है, तो फिर वो कायरल सेंटर नहीं होगा। फिर वो कायरल सेंटर नहीं होगा एज वाज इन द केस ऑफ HOH। अब HOH के आप दोनों साइड से आओगे तो आपको क्या दिखेगा? फ्लोरीन ऊपर, क्लोरीन नीचे, फ्लोरीन ऊपर, क्लोरीन नीचे। तो ये कायरल सेंटर है नहीं है, क्योंकि आप इसको यहाँ से जाओ सेम चीज है, यहाँ से जाओ सेम चीज है, लेकिन दैट इज नॉट ट्रू फॉर दिस वन। इसलिए यहाँ पे ये दोनों कायरल सेंटर है। ये समझा क्या अनुज यादव? क्लियर हुआ क्या? फहाद ऊपर वाला कौन सा कंपाउंड बताओ? सेम ही चीज बताया मैंने बार बार। आदित्य क्या बोल रहा है? कैन सिमेट्रिकल कंपाउंड हैव डीओयू? हाँ बिल्कुल हो सकता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसका मिरर इमेज ड्रॉ करके दिखाओ, कुछ देखना आविष्कार। तेरे पास पेन नहीं है क्या? हैं? पेन पेपर ले, ड्रॉ कर और अभी ग्रुप पे भेज, मैं दिखाता हूँ सबको फिर तूने क्या ड्रॉ किया। वेरी गुड, ऋतुजा ने एक नया लाइन चालू किया। काइरल मॉलिक्यूल्स आर नॉट सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज, दैट्स द रीजन हम उसे और उसके मिरर इमेज को दोनों को अलग आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है ऋतुजा? अनुज यादव को समझ में नहीं आया, 99% काय को डाला था फिर थोड़ी देर पहले। एक बार फिर से पिछले क्लास का एग्जाम्पल याद दिला रहा हूं, टार्टरिक एसिड। अभी कईयों को एनेंशियोमर, डाइस्टीरियोमर और रेसमिक मिक्सचर, इन सारी चीजों को लेकर डाउट है। जय शिवतारकर, ये लो देख लो, फहद का क्वेश्चन में डाउट था, फहद क्वेश्चन देख ले। हाँ ओंकार, ये दोनों स्टार कार्बन को सूडो काइरल बोलेंगे।
अनुज ज्यादा बोला, अभी जो डेफिनेशन बोला वो नहीं समझा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो होता है, सिमरन इज फीलिंग इट इज लाइक इट इज अ डाउट सेशन। मैं लिख के दू तेरे को, लिखा के सब तो लिख के दिया, बार बार लिख के दू क्या अनुज जाधव? तुम लोग एक ही चीज 50 बार क्यों पूछ लेते हो यार? देख लो अभी, खुद से ड्रॉ करो, खुद से ड्रॉ करके देख लो। मैं सिर्फ एक चीज बताने वाला हूँ, जब तक तुम ड्रॉ नहीं करोगे मैं कुछ नहीं करने वाला। अद्वैत बोल रहा है व्हेन मस्ट इज रिमूव्ड इन द रीजन देन इट बिकम्स एन अजर्शन, राइट? नहीं, मस्ट रिमूव करने से ये हुआ कि उसमें स्काइरल सेंटर होने ही चाहिए, ये असर्शन हट गया। समझा क्या अद्वैत? क्या उसमें काइरल सेंटर है? हाँ है। क्या उसमें काइरल सेंटर होने ही चाहिए? ऐसा थोड़ी आप किसी कंपाउंड को लेके बोल सकते हो। अब ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका मिरर इमेज है, ये और इसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से अलग है, दोनों की अपनी अपनी आइडेंटिटी है। अगर ये दोनों आपको 50-50% मिक्सचर में मिले तो आप इसको बोलोगे रेसमिक मिक्सचर। ये बात समझ में आया क्या? अभिजीत, डी टार्टारिक एल टार्टारिक ये वाले अभी आप लोगों ने नोमेनक्लेचर यूज नहीं करना, इसको मैं आपको बताऊंगा कब यूज करना है, ठीक है? अगर क्वेश्चन में आता है तो आपको बेसिक बात समझ में आ रहा है, डी मतलब पॉजिटिव वाला, एल मतलब नेगेटिव वाला, लेकिन आप कंपाउंड देख के नहीं बता सकते, ठीक है? तो अगर मेरे पास रेसमिक मिक्सचर है जिसमें मेरे पास दोनों के दोनों एनेंशियोमर, इनको अपन एनेंशियोमर भी बोलते हैं, है ना, दे आर एनेंशियोमर्स, तो दोनों के दोनों एनेंशियोमर आपके पास 50-50% के रेशो में है, तो इसके मिक्सचर को बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। और रेसमिक मिक्सचर की खासियत क्या होता है? रेसमिक मिक्सचर की खासियत होता है के ऑप्टिकल डेविएशन जीरो। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? अरे एक ने प्लस घुमाया, सेम कॉन्सेंट्रेशन है, एक ने प्लस घुमाया दूसरे ने माइनस घुमाया, ये प्लस घुमाने वाला था, ये माइनस घुमाने वाला था, दोनों इक्वल क्वांटिटी में, लाइट घूम फिर के वापस क्या हो जाएगी? कैंसल आउट हो जाएगा, करेक्ट? तो अगर आपके पास इक्वल क्वांटिटी में दोनों एनेंशियोमर है तो आप उसको बोलोगे रेसमिक मिक्सचर, और रेसमिक मिक्सचर की जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है वो जीरो होती है, ठीक है? देख लो, करना है नोट तो कर लो, मतलब मीजो में जैसे अंदर ही होता है वैसे यहाँ पे, करेक्ट? तो एक किसी ने लास्ट क्लास में पूछा था इंटरनल और एक्सटर्नल, किसने पूछा था? कौन था? एक बंदा था, किसी ने पूछा था इंटरनल कैंसलिंग होगी और एक्सटर्नल, वैष्णव ने पूछा था। तो आप अब देख सकते हो एक कंपाउंड जिसके अंदर बीच में ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री के चलते आप इसको बोलते हैं कि इसके अंदर जो ऑप्टिकल है, जो लाइट है, वो लाइट डेविएट नहीं होती। क्यों? क्योंकि इंटरनली कंपनसेट हो जाता है। लेकिन रेसमिक मिक्सचर जो है इसमें वो डेविएशन होता है, लेकिन जो दूसरा होता है वो दूसरा उल्टे डायरेक्शन में डेविएशन कर देता है, तो आप बोलते हो एक्सटर्नली कंपनसेट हो जाता है। तो इंटरनल कंपेंसेशन, एक्सटर्नल कंपेंसेशन, ठीक है? अब अगर आपके पास रेसमिक मिक्सचर है
इसका मतलब आपको सॉल्यूशन में ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। ऑल्दो आपके पास काइरल सेंटर है, ऑल्दो आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, लेकिन दोनों इक्वल क्वांटिटी में है, इसलिए हमको यहाँ पे डेविएशन नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। चलो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। ऑप्टिकल एक्टिविटी में जितनी भी कहानियां अपन डिस्कस कर सकते थे सारी के सारी हो चुकी है, ठीक है। अब इसके ऊपर मल्टीपल पॉसिबल केसेस बनेंगे जिसमें आप क्वेश्चन देखोगे और क्वेश्चन में सवाल ये होगा कि क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं है। तो अब आपको उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढनी है, सेंटर ऑफ सिमेट्री ढूंढनी है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री ढूंढनी है। अगर आपको इनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलती जिससे कि वो आप पे सिमेट्री आ सके, तभी जाके आप बोलोगे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। अच्छा, अभी आविष्कार ने मिरर इमेज ड्रॉ करके भेजा है डाउट। क्या भेजा मैं तो समझ ही नहीं आ रहा। नहीं ये वाला नहीं, ये वाला भेजा। तो बताओ बताओ उनका क्या ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे पे सुपर इम्पोसिबल है। आविष्कार, सॉरी आविष्कार का डाउट है, क्या ये दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोसिबल है? यस है। कितनों को दिख रहा है ये सुपर इम्पोसिबल है? उठा के ला के सीधा सीधा इसको उठा के ला के इसके ऊपर रख के देखो, एक में OH ऊपर के साइड में, दूसरे में OH नीचे के साइड में। सुपर इम्पोसिबल का मतलब क्या है श्रेय? सुपर इम्पोसिबल का मतलब है कि इसके जगह पे ऐसे दूसरे को मैं ला के रख देता तो दोनों सेम ही कंपाउंड रहते। कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो द्वैत। अगर आप ये वाले कंपाउंड पे दूसरा वाला कंपाउंड लाके रख दोगे या नीचे वाले को हटा दोगे, ठीक है, तो वो कंपाउंड पहला वाला कंपाउंड दूसरा वाला कंपाउंड एग्जैक्ट सेम दिखेगा तो नहीं दिखेगा ना? ध्यान से देखो ना, यहाँ पे ये OH तो देखो, कोई ये OH यहाँ नीचे है, ये OH यहाँ पे ऊपर है। कौन भेजा था? आविष्कार। अगर रोटेट करेंगे, कर रोटेट, रोटेट करना, रोटेट कहाँ पे करना है तू? मेरे को एक्सिस बता, कौन सी एक्सिस के अराउंड रोटेशन करना है? ये OH की एक्सिस के अराउंड रोटेशन कर ले, ताकि तेरा ये OH जो है, मेरा कर्सर दिख रहा है क्या सब लोगों को? ये OH को मुझे नीचे ले जाना है तो ये एक्सिस के अलोंग मैं रोटेट कर देता हूँ, फ्लिप कर देता हूँ। ऐसा बुक है ना, ऐसा बुक है, उसको फ्लिप कर देता हूँ, बराबर है? एक्सिस के अलोंग फ्लिप कर दिया, OH नीचे चला गया। यहां तक क्लियर है क्या? आविष्कार अभी ध्यान से देख, CL और F कहां पे है? फ्लिप नहीं कर रहे हैं तो फिर कैसे होएगा? फ्लिप नहीं करना है, घुमाना है। उन्नति कहां से घुमाओ, कैसे घुमाओ बता दो। रोटेट अराउंड वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस से रोटेट करेंगे तो हो जाएगा? नहीं, सेम कंपाउंड दिख रहा है तुमको, ऐसे घुमाओ बोल रहे हो। वर्टिकल एक्स दिख गया मेरे को, क्या बोल रहा है?
सही बोल रहा है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव लग रहा है। उल्टा बनाया ना मैंने। नहीं, ये दोनों तो एक ही साइड थे, फ्लोरीन क्लोरीन एक ही साइड है ना। अगर इसको बस ये एक्सिस के अराउंड घुमा देंगे तो ये हो जाएगा OH, नीचे आ जाएगा ये OH, इधर आ जाएगा और फ्लोरीन क्लोरीन अभी भी ऊपर नीचे ही है। सेम कंपाउंड हो गया मिरर इमेज। तो आपने मिरर इमेज बनाया, मिरर इमेज सेम कंपाउंड बन गया। इसका मतलब ये है कि ये जो कंपाउंड है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सही बात है, क्योंकि आपने उसका मिरर इमेज लिया और अपने को लग रहा था मिरर इमेज अलग है, लेकिन मिरर इमेज भी सेम ही है, तो फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अब ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव लिखा है तो ये तो गलत है। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है इसमें, इसमें तुम्हारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है। मैं समझा नहीं, अपन ये क्वेश्चन पे क्या डिस्कशन कर रहे थे। मैं तो ऑलरेडी बोला ना ये इनएक्टिव, मैंने तो लिखा भी है। आविष्कार तू क्या डिस्कस कर रहा था, तू भी भूल गया। भी हुआ, धन्य हो प्रभु। कंपाउंड इनएक्टिव था, फिर हमने उसका मिरर इमेज निकाला और बोला कि मिरर इमेज और ये दोनों सेम है। चलो बहुत मजा आया, ठीक है आगे बढ़े। मयंका ने बोला है सेकंड क्वेश्चन जो उसने पुट किया है उसको डिस्कस करें। मयंका आपका क्वेश्चन क्या है, देता हूं इसका उत्तर। ठीक है, चल रहा है ये तो पहले का है। मयंका ऐसा क्यों कर रही हो, ये डाउट सेशन तो नहीं चल रहा है। ये मैं तुम्हारा नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करूं, 4 बजे वाइवा है, जिन जिन का वाइवा है वो जा सकते हो। ठीक है सर, डोंट डिस्कस, नहीं डिस्कस, 5 बजे तक खुला है लिंक। एडवांस वाला सेशन आज नहीं हो सकता, एडवांस वाले लोग यहाँ पे रुक जाओ। अगर कुछ और डाउट आपको एडवांस का डिस्कस करना है, कोई पहले का प्रॉब्लम है तो बता दो। ठीक है, एडवांस के सेशन के लिए मुझे कॉन्फर्मर नीट वाले भी जा सकते हैं। ठीक है, एडवांस के सेशन में आज मैं कॉन्फर्मर्स बताने वाला था साइक्लो एग्जाम के, लेकिन यू नो एडवांस नो एडवांस लेक्चर। ठीक है, बाय सर। चलो डन, अब नेक्स्ट इसमें डाउट सेशन करेंगे और ये कॉन्फर्मस खत्म करेंगे। ठीक है, बाकी लोग जा सकते हो। सिद्धेश गौरव को आउट ऑफ सिलेबस डाउट है, पूछ ले। नेक्स्ट वीडियो आ रहा है, जल्दी आ रहा है, होल्ड करो। सेशन खत्म कर रहा हूं,
थैंक यू सो मच बाय वरुण और कितना यस यस जी एडवांस निकल सकते हो जिनको कोई डाउट नहीं है निकल सकते हो अद्वैत अबाउट विच एक्सिस यू रोटेटेड द कंपाउंड टू गेट मिरर इमेज नहीं मिरर इमेज तो यार ऐसा रखा बीच में इसका फिर वो लिया ना रिफ्लेक्शन लिया ना हाँ अनुज जाधव मैं फ्री हूँ जेई एडवांस वाले लोग जा सकते हो मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ कुछ भी ठीक है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बहुत बढ़िया डैट अच्छे से सॉल्व करो सब लोग ठीक है ज्यादा मार्क्स मत गवाओ आविष्कार तेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था मैं भूल गया वापस भेज हाउ यू रोटेटेड मिरर इमेज टू मेक इट सुपर इम्पोजिबल मैंने मिरर इमेज देखो क्या होता है ना मिरर इमेज को आप किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हो तुम ऐसा सोचो ठीक है ये एक मेरे पास ये एक है कंपाउंड उसका ये मिरर इमेज है ठीक है अब आपको क्या करना है इसको घुमा घुमा के इस पे लगा के देखना है अब ऐसे 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 जो डायरेक्शन में आप घुमा सकते हो घुमा के इसके ऊपर लगाओ ऐसा लगना चाहिए कि ये जो है ये वाला और ये वाला नीचे वाला ऊपर वाला एक दूसरे को रिप्लेस कर सके ठीक है मैं इनका वो डिस्कस करते हैं यस सर मैं का ओनली टू आइसोमर्स ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट इज पॉसिबल ऑफ ठीक है चलो बाकी लोग जा सकते हो ओनली टू मोनोक्लोरो प्रोडक्ट तो अब आपको क्या करना है आपको ये जो कंपाउंड आपने बनाया है इन कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन लगाना है ठीक है अभी अगर मैं एन ब्यूटेन के लिए ये मैंने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया है मैम का मुझे नहीं पता तुम उस क्लास में थी नहीं थी मैंने तुम्हारे साथ डेफिनेटली डिस्कस किया है एन ब्यूटेन है कहाँ कहाँ क्लोरीन लगा सकते हो आप यहाँ पे क्लोरीन लगा सकते हो दूसरा केस है आप यहाँ पे क्लोरीन लगा सकते हो और कोई तरीका है क्या एन ब्यूटेन के केवल दो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट आएंगे लेकिन ये जो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट है ये ऑप्टिकली एक्टिव है अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है इसका मतलब इसका और ये और इसका मिरर इमेज दो गिनने पड़ेंगे काइरल सेंटर के चलते आर यू देयर मयंका तो क्या आंसर क्या दिया हुआ है इसका आंसर ए दिया हुआ है टू isomers of monochloro product possible sir ये अभी डिस्कस ना करे तो अच्छा ये आज की टेस्ट है और कुछ लोगों ने आज की टेस्ट अभी तक नहीं दी है 5 बजे तक होता लोग ठीक है नहीं करते रुक जा आंसर तो गलत है इसका जिसका आंसर ए नहीं है ठीक है क्या है अब तुम डिस्कस करो मयंका ट्राई करके देखो सब ऑप्शन में तुम ड्रॉ करोगी ड्रॉ करके मेरे को चारों आंसर सारे आंसर भेजोगी हर एक में कितने कितने कंपाउंड बन रहे हैं ठीक है जिस जिसको भी डाउट है बना के ड्रॉ करके मुझे कंपाउंड के ये भेजे स्ट्रक्चर भेजे ठीक है सही बात है आविष्कार अब तू वो वाला भी ड्रॉ करके भेज दे उन्नति
ये नहीं पॉसिबल होगा, ए को तुम ड्रॉ करोगे तो तुमको दिखाना उसमें ऑप्टिकल एक्टिव है, अगर सेकंड पे क्लोरीन लगा तो सेकंड पे क्लोरीन लगा अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो वही दो कंपाउंड हो गए, ठीक है, एन ब्यूटेन के तीन हो गए, एन ब्यूटेन के तीन हो जाएंगे ऑलरेडी फिर।